एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन एला की जिंदगी में एक चीज की कमी थी, वह थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, एला की नई माँ की दो बेटियाँ थी। वह बहुत खुश थी कि माँ के साथ उसे दो बहनें भी मिल गई थी। दोनों बहनें बहुत ही घमंडी थी, लेकिन एला उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। एला की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गए, तो फिर कभी वापस नहीं आए। एला पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया था। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गई और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और एला की घर का सारा काम करती थी। उसके बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती। एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख यानी कि सिंदर उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें उसे सिंदर एला कह के चिढ़ाती और इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों की बुलाया गया है, ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थी। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी। लेकिन फिर सिंड्रेला की एक खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहां एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला को कहा, ओह प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कर कर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहां पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बगनी में बदल दिया। वही चार चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नजर उन पर पड़ी तो उसने चूहे को घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखा और उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते सिंड्रेला के मटमेले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजे ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें
उसी को देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा, तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहां मौजूद सभी लड़कियां सिंड्रेला से जलने लगी, लेकिन कोई सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि वह किसी लड़के से शादी करेगा। सिंड्रेला भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना था। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहां से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा, लेकिन राजकुमार सिंड्रेला को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती जाएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजरें सिंड्रेला पर रुकी हुई थी। सिंड्रेला ने जब उसे पहना, तो वह जूती उसके पैर में आ गई, जैसे उसी के लिए बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी के लिए पूछा, तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार के साथ हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी अन्य प्रेरणादायी हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।